ट्विटर पर ब्लू टिक यानी वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए यूजर को अब हर महीने $8 करीब 6,060 रुपए देने होंगे। यह चार्ज सभी देशों में अलग अलग होगा। 27 अक्टूबर को ट्विटर खरीदने के 5 दिन बाद मंगलवार रात को एलन मस्क ने इसका ऐलान किया। हालांकि उन्होंने इसका संकेत 2 दिन पहले ही दे दिया था, जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि मस्क $20 वसूल सकते हैं। मोरवी का सस्पेंशन ब्रिज हादसा उसकी नई फ्लोरिंग की वजह से हुआ था। रिनोवेशन के नाम पर ब्रिज में लगे लकड़ी के बेस को बदलकर एल्यूमिनियम की 4 लेयर वाली चादरें लगा दी गई थी। इससे पुल का वजन बेहद बढ़ गया था और पुरानी केबल्स भीड़ बढ़ने पर इसका लोड नहीं सहन कर पाई। गुजरात पुलिस ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर इस बात की जानकारी दी है। भारत चीन सीमा की रखवाली अब ऐसे जवान करेंगे जो बिना हथियारों के भी मुकाबला करने में सक्षम होंगे। गलवान की घटना के बाद भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने जवानों को ट्रेनिंग नए मॉड्यूल में शुरू की है। नए मॉड्यूल की यह ट्रेनिंग ITBP के कॉम्बेटेंट और नॉन कॉम्बेटेंट दोनों तरह के जवानों को दी जा रही है। इसमें 20 नई तकनीकें भी जोड़ी गई हैं। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। इनमें लश्कर का कमांडर मुख्तार भट्ट भी शामिल है, जो घाटी में कश्मीरी पंडितों और प्रवासियों पर अटैक कर रहा था। उसके साथ पुलवामा का सकलैन मुश्ताक और पाकिस्तानी आतंकी मुशीफक भी मारा गया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। केंद्र सरकार ने 2 नवंबर से विंडफॉल टैक्स में संशोधन किया है। सरकार ने कच्चे पेट्रोलियम पर निर्यात शुल्क 11,000 रुपए प्रति टन से घटाकर 9,500 रुपए प्रति टन कर दिया है। वहीं ATF पर निर्यात शुल्क 3.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर किया गया। साथ ही डीजल पर निर्यात शुल्क 12 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 13 रुपए प्रति लीटर किया गया है।